बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज उड़ाए जाएंगे मीठी मीठी धूप में बैठकर होममेड ज़बरदस्त किस्म के मूली वाले पराठे और साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मलाई वाला दही। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शानदार किस्म का दही, ये साथ में होममेड बेहतरीन किस्म के देसी घी के मूली पराठे। तो अब इसको शुरू करते हैं, धूप में बैठकर इनको खाने का मज़ा ही अलग से है। और ये लाहौर की बेहतरीन डिश है, ये नाश्ते में मूली वाले पराठे, आलू वाले पराठे अब तो जगह जगह से मिल जाते हैं। तो ये मेरी टांग में थोड़ा सा पेन था तो मैं वो जिसको कहते हैं आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकता, तो इस पोजीशन में बैठा हूँ। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें ज़ोरदार किस्म के होममेड मूली के पराठे साथ में ज़ीरे वाला दही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अपने खेतों से सरसों का साग और मूली आई थी। ये मैं आपको खोल कर इसको फिर से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग किस कदर खूबसूरत है, देसी घी में बनी हुई घर की मूली वाली और बहुत ही मुनासिब मसाले, तीखापन भी नहीं है और फीका भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। सुबह आज बहुत शदीद किस्म की धुंध थी लेकिन ये अब के 10 बजे के करीब का टाइम है तो सूर्य निकला है, तो मैंने कहा चले बैठने की कोशिश करता हूँ। तो ये 2022 में मौसम इसी तरह से है, अभी तक स्टेबल नहीं हो रहा, धूप बादल बारिश धुंध रला मिला रुझान है, लेकिन ज़्यादा बारिश ये देखें। ये जैसे हम खोलते हैं रोटी, हमारे बड़े बुज़ुर्ग इस चीज़ का बुरा मनाया करते थे। ये देखें, ये इसकी फिलिंग आप देख सकते हैं, धुएँ उठ रहे हैं बीच में से। तो मेरी दादी मरहुमा मना किया करती थी कि रोटी को खोला नहीं करते, गुनाह होता है। तो अब तो ये ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी चीज़ की फिलिंग दिखाने के लिए ये काम करना पड़ता है। आप लोगों में से जिस जिस को मूली वाला पराठा पसंद हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो 1 फरवरी की एक खूबसूरत सुबह को रूफ टॉप पर धूप में बैठकर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इसकी फीलिंग और एक ज़बरदस्त सन वाला, किसी दिन खेतों पे जाकर भी क्लिप बनाना है, मैंने टाइम नहीं मिल रहा। रावी के करीब ही हमारा भी ज़रई रकबा था जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल हो चुका है।
पंजाब की तो ये ख़ास रवायती डिश है, ये मूली वाले पराठे, आलू वाले पराठे, गोभी पराठा, पनीर पराठा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है क्योंकि इसमें ज़रा हस्तापन आ जाता है। ये पराठा नंबर टू स्टार्ट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हरा धनिया, हरा प्याज, अनारदाना, सूखा धनिया, अजवाइन, नमक, रेड चिली, ये मैं आपको आसमान का भी व्यू दिखाता हूँ, बादल भी है, हल्के हल्के धूप भी है, मिला जुला रुझान है। ये सूरज निकला हुआ है, हल्की हल्की गहर भी है, तो इसी तरह से मिला जुला मौसम है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।